हमारे पास एक जनरल ऑर्डर ऑफ कमांड होता है कि हम एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कमांड्स को अप्लाई कर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप कोई डेटाबेस जब क्रिएट करते हैं तो उसमें आप डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद कहाँ से आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, आप फ्रॉम डेटा टेबल, डेटा टेबल की जो नेम है आप उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो कॉलम है हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस डेटाबेस के जो टेबल है उसमें से। उसके बाद वेयर कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, वेयर कंडीशन अप्लाई की जाती है रोज के ऊपर, यानी कि आपका जो डेटा होगा उस पे आप वेयर कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद ग्रुप कर सकते हैं, आप ग्रुप करते हैं, ग्रुप बाय कॉलम्स कर सकते हैं। आप ग्रुप बाय कॉलम्स करने के हवाले से जब आप यहाँ पे ग्रुप्स कर लेते हैं तो ग्रुप्स पे हैविंग कंडीशन अप्लाई की जाती है, ग्रुप्स पे वेयर क्लॉज नहीं या वेयर कंडीशन अप्लाई नहीं किया जाती, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि वेयर कंडीशन जो होती है ये रोज पे अप्लाई की जाती है, और जो आपके पास हैविंग कंडीशन होती है या हैविंग क्लॉज होता है ये आपका अप्लाई किया जाता है ग्रुप्स के ऊपर। तो जब आप ग्रुप क्रिएट कर लेंगे तो ग्रुप्स पे आप हैविंग कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और हैविंग कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब आपके पास ग्रुप्स बन जाएंगे तो आप उन ग्रुप्स को ऑर्डर कर सकते हैं स्पेसिफिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और स्पेसिफिक आप जो ऑर्डर देना चाहें उसके अकॉर्डिंग। सो ये है आपका जनरल ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट कमांड्स।